नमस्कार दोस्तों, मैं देवा चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बहुत ही बढ़िया डॉग ब्रीड्स को कवर करने वाले हैं। पहले हैं हमारे टॉम, जो कि कल्चर पॉम है। कल्चर पॉम या पोमेरानियन दोनों चीज़ें हैं। मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना रखी हैं इस बारे में कि कल्चर पॉम और पोमेरानियन में क्या फ़र्क होता है। और दूसरी तरफ हैं हमारे छोटू। छोटू हमारे हैं संचित भाई के, जो बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। मिस्टर छोटू को बहुत शैतान है और ये अभी हमारे घर पे आए हैं कुछ स्पेशल काम से। तो ये हैं छोटू और ये हैं टॉम। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये दो डॉग ब्रीड्स में कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी ब्रीड लें, तो थोड़ा सा आप इसमें आपको आसानी होगी कि आप कौन सा लें। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन क्या रखने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। जो कल्चर पॉम है या पोमेरानियन है, वो अगर टॉय की कैटेगरी का है तो 6 इंच से लेके आपका 8 इंच तक जाता है टॉय पॉम। और उसके अलावा अगर आप कल्चर पॉम लेते हैं तो वो आपका 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच ऐसे करके चला जाता है। मैं साइज़ की बात कर रहा था। कल्चर पॉम का जो साइज़ होता है वो आपका 8 इंच से लेके 10 इंच, 12 इंच ऐसे करके कल्चर पॉम का साइज़ होता है। बाकी जो लाशा का भी साइज़ होता है वो भी साइज़ होता है 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच। 10 से 12 बेसिकली ज़्यादा होता है, 10 इंच से छोटे में नहीं आता, 10 इंच से ऊपर ही जाता है। 8-10 इंच कल्चर पॉम का रहता है। और कल्चर पॉम जो होता है वो लाशा से थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटू भी है और टॉम भी है और यहाँ पे पैंथर आया हुआ है। तो ये जो अटैक है वो टॉम इस पर कर रहा है और ये छोटू आराम से, छोटू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लाशा थोड़ा सा कूल माइंडेड डॉग है। और चलो हटो जाओ, बड़ा तुम्हारी अलग वीडियो में, चलो जाओ चलो। लाशा थोड़ा सा कूल माइंडेड डॉग है और जो कल्चर पॉम है वो थोड़ा सा हॉट ब्लड है। मतलब थोड़ा चिवावा से रिलेट कर सकते हैं आप, कि जैसे चिवावा थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है उसी तरह आपका कल्चर पॉम भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। चाहे आप ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेल कल्चर फॉर्म में आती है, फीमेल डॉग उतना एग्रेसिव नहीं होता कल्चर फॉर्म में। बाकी लाशा बहुत ही कम एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादातर तो सीधे होते हैं। लेकिन ये है कि गार्डिंग दोनों बहुत ही अच्छी करते हैं, डोरबेल का काम दोनों ही करते हैं। चलो इधर चलो, तो डोरबेल का काम दोनों ही करते हैं। और साइज़ मैंने आपको बता दिया, बस फ़र्क ये होता है कि कल्चर फॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। मतलब इसके जो दोनों पैरों के बीच में गैप होता है, या बोले तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटी होती है, ज़्यादा लंबा डॉग नहीं होता कल्चर पॉम। आप देख सकते हैं ये टॉम यहाँ से यहाँ तक का। अभी मैं छोटू को आपको दिखाता हूँ, छोटू यहाँ से कहाँ तक का है। तो ये मेन चीज साइज वाला होता है। जो लाशा होता है आपका, लाशा ऑफशो, वो साइज में मतलब हाइट तो बराबर ही होती है, देख सकते हैं आप दोनों, ज़्यादा फर्क नहीं हाइट में, दो इंच का मैक्सिमम फर्क होता है, 1-2 इंच का, तो वो तो बराबर ही होती है। बाकी जो वेट होता है वेट में काफ़ी फर्क होता है। जो कल्चर पॉम का वेट होता है वो आपका 3-4 किलो जाता है। बहुत ज़्यादा मोटा होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया तो 5 किलो, वैसे जल्दी होता नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका लाशा का वेट है, अगर ओवर साइज हो गया, मोटा हो गया, तो 10 किलो तक पहुँच जाता है, बाकी 6-8 किलो ऐसा रहता है। तो ये है छोटू, ये है टॉम। तो आपको मैं हाइट का बता चुका, वेट का बता चुका, टेम्परामेंट मैंने जैसा कि बताया कि कल्चर पॉम का थोड़ा सा हॉट होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा होता है, और जो लाशा होता है वो थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी फ्रेंडली होता है। और जो एक फ़र्क और होता है कि लाशा जो है आपका ज़्यादातर सबके साथ में खेलता है, बहुत सारे लोगों, जैसे नए लोग हैं उनसे भी मिलेगा, आपके घर में कोई आएगा तो उससे भी मिलेगा, अपनी टेल्स वैक करेगा, वैक करेगा, और उसके अलावा उनसे खेलेगा भी, बच्चों के साथ भी खेलेगा। कल्चर पॉम थोड़ा सा हटके, कल्चर पॉम थोड़ा सा खेलने में कम इंटरेस्ट दिखाता है, बाकी खेलेगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, लेकिन लाशा जो है वो खेलने के लिए ज़्यादा एक्टिव होता है और एनर्जी बाकी कल्चर पॉम में भी बहुत होती है, आपके साथ में अच्छे से दौड़ेगा, भागेगा, सब करेगा। और लेकिन एक चीज़ और होती है, कल्चर पॉम को रखने में थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, आपको अच्छे से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है, क्योंकि लाशा कल्चर के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग ब्रीड है और इसके आप देख सकते हैं पॉज वॉज भी, मसल्स भी काफ़ी हेल्दी। और हाँ, वेट मैंने जैसे बताया ये 7-8 किलो के होते हैं तो कमज़ोर नहीं होते हैं, और जैसे कि थोड़ा बहुत बीमार भी होते हैं तो सर्वाइव आसानी से कर जाते हैं अपने वेट की वजह से, थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से जल्दी बीमार नहीं होते हैं। और लेकिन कल्चर पॉम के साथ में क्या है, इसका थोड़ा सा अपोजिट है, वो बहुत ही हल्के होते हैं वेट में, तो प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती हैं बीमार होने के बाद में, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं सर्वाइव कर सकते। अभी मैं आपको एक साथ में दिखाता हूँ, टॉम आ जाओ। टॉम को मैंने अभी बुला लिया, टॉम आ गया। अब मैं दोनों को आपको एकदम सामने से दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं पास से, ये कल्चर बॉम्ब होता है, ये टॉय बॉम्ब नहीं, ये हक्का लाशा है, लाशा अपशो। तो ये दोनों डॉग आप बहुत ही पास से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये छोटू है संचित भाई का, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये टॉम है मेरा। और टॉम बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, इसकी तो बात ही करना बेकार है इस मामले में। पता नहीं कैसे हो गया, मैंने बचपन से इसको काफ़ी फ्रेंडली रखा, लेकिन चलता है, ठीक है, मेन इंस्टा डॉग है तो इतना तो बनता है इसका। और बाकी छोटू भी बहुत प्यारा है, दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि दोनों मेल डॉग्स हैं, तो इस वजह से अभी तो दोस्ती ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा पक्की वाली नहीं है जैसे मेरी और संचित की, बस ऐसे ही बोल लेते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला दोनों ब्रीड का कि अगर आपको कोई ऐसी डॉग ब्रीड पसंद है जो थोड़ा स्ट्रेंजर्स के साथ में भी खेले और उनके साथ में, उनके बच्चों के साथ में खेले और आप भी ज़्यादा एक्टिव रहें उसके साथ में, तो लाशा है, क्योंकि ये बेटर है अगर आप फैमिलियर पर्पज से लेंगे, क्योंकि ये सबके साथ में घर से खेलेगा, अगल बगल वालों के साथ भी खेलेगा, पैंथर चुप रहो। और बाकी अगर जो कल्चर फॉर्म है इसका थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग टाइप का है, ये पहले आप तो सिर्फ ऑनर की ज़्यादा सुनेगा और उसके अलावा काफ़ी शाई रहेगा, अनजान लोगों से ज़्यादा उतना ज़्यादा ये मिलेगा नहीं। तो दोनों ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो कोई चुप रहो, पर्सनली जो मेरी पसंद है मुझे तो कल्चर पॉम पसंद है। बाकी लाशा भी मैं रखने के मूड में हूँ पूरा, बहुत ही जल्द मैं एक नया लाशा भी रखूँगा, लाशा शिडजू में से एक कोई ब्रीड लाऊंगा। तो मैं ओवरऑल डॉग सारे ही अच्छे होते हैं, बस आपको खुद में क्या पसंद है, मैंने वो आपको थोड़ा सा बताया कि मुझे क्या पसंद है, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसा डॉग चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।